एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज वीडियो इज गोना स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी आर गोना रिव्यू इकिन बैच फॉर नीट एस्पिरेंट 2023। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इट्स राइट नाउ 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई एम स्टार्टिंग माई डे विद बायोलॉजी। आज मैं बायोलॉजी की कुछ रिविजन करूँगी और मैं नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाना भी स्टार्ट करूँगी। लास्ट ईयर आई कम्प्लीटेड माई होल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम यकीन 2.0 2022। मैंने अपना बायोलॉजी का सिलेबस लास्ट ईयर पूरा बैच से कम्प्लीट किया है और मैंने उसी बैच के सारे नोट्स भी बनाए हैं। सो इस ईयर मैं लेक्चर्स पे कम फोकस करूँ और मैं पुराने और नए दोनों बैच से टीवी भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एंड सेम फॉर केमिस्ट्री टू, बिकॉज मैंने अपनी केमिस्ट्री भी लास्ट ईयर यकीन 2.0 से कम्प्लीट की है। सो उसके लिए भी मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगी। लास्ट ईयर आई डिडंट फोकस मच ऑन फिजिक्स बिकॉज मुझे फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए मैंने फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट दिस ईयर आई एम गोना स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम विद फिजिक्स। लास्ट ईयर आई कम्प्लीटेड 7 to 8 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड देन मैंने फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन बायोलॉजी। सो मैंने अपने 7-8 लेक्चर्स यकीन 2021 से कम्प्लीट किए थे, जहाँ पे अलग सर ने खुद से पढ़ाया था एंड मुझे वो पूरा अच्छे से समझ भी आ गया था। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सिलेबस दोबारा से स्टार्ट करूँ इन यकीन 2021 बैच एंड आई विल ट्राई कि मैं इस साल के बैचेस की डीपी भी सॉल्व करूँ।